गाइज, इस कैमरा की ना एक चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप मिलेगा लेकिन काफी स्टेबल फुटेज आपको मिल जाएगा। ऑल राइट गाइज, मैं देव और ये है कैनन यूएस आर 10 विच इज़ ए मिररलेस कैमरा। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाई कराया अराउंड 83,000 पे करके विथ 18-45 mm किट लेंस, और एक भी लेंस है 18-150 mm विच इज़ ए टेलीफोटो लेंस, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं था। गाइज, अगर आप इसको बाई करना चाह रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि ये कैमरा आपके लिए है कि नहीं। गाइज, सबसे पहले इस कैमरा के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं यहाँ पर इम्प्रेस हो गया, क्योंकि कैनन इस डिपार्टमेंट में भाई कोई कमी नहीं छोड़ता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर DSLR लुक दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो ग्रिप मिलता है ना वो एक्सेलेंट है, एकदम आप सही तरह से इसको होल्ड कर सकते हो। कैनन यहाँ पर आपको एक व्यू फाइंडर भी दे रखा है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, और इसके अंदर आपको एक OLED स्क्रीन मिलता है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर आपको एक फुल्ली टच स्क्रीन मिलता है, 3 inch का LCD स्क्रीन है, और ये एक वेरी एंगल LCD है, आप इसको कहीं पर भी टिल्ट कर सकते हो, कुछ इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हो, और ये काफ़ी हैंडी होता है अगर आप व्लॉगिंग करते हो या फिर आप किसी तरह का वीडियो शूट करना प्रेफर करते हो। ओके गाइज, इसमें आपको एक फ्लैश भी दे रखा है, आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा लो लाइट में। ओके गाइज, अगर इस कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले इसकी फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो मैंने इस कैमरा को काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे यूज कर रखा है और काफ़ी सारे इंटेंस मैंने टेस्ट कर रखा है, तो आपको एक एक करके दिखाता हूँ इसकी जो फोटोज की क्वालिटी कैसा है। सबसे पहले इसकी फोटोज की आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो फुटेज दिखाता हूँ और स्लोमो का भी सैम्पल दिखाऊंगा कि इसकी जो स्लोमो का वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा है। 1080p at 120fps पे आपको स्लोमो का भी सपोर्ट मिलता है और ये बहुत ही सही दिखता है, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। पहले ये कुछ फोटो सैंपल्स आप देखिए गाइज, और आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइज, ये जो सारे आप फोटोज देख रहे हो यहाँ पर मैंने ऑटो मोड ही यूज कर रखा है, किसी तरह का मैनुअल मोड मैंने यूज नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने किसी तरह का एडिटिंग भी नहीं करा है, आप जो भी देख रहे हो डायरेक्ट रॉ फोटो देख रहे हो जो मैंने कैमरे से क्लिक करा है। गाइज, इसकी जो ओवरऑल फोटोज़ की क्वालिटी मेरे को काफ़ी सही लगा, क्योंकि इसकी जो कंट्रास्ट देख लो या फिर सैचुरेशन देख लो एकदम बैलेंस्ड होकर आता है, बहुत ही सही है, रेडी टू अपलोड है एकदम, आप डायरेक्टली इसको फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में भी अपलोड कर सकते हो, मैंने यहाँ पर किसी तरह एडिटिंग नहीं करा है। दोस्तों, इसकी जो बोके इफेक्ट की बात करें तो डेफिनेटली आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्राइम लेंस नहीं है, ये एक 50mm लेंस नहीं है, तो आपको उसके लिए 50mm लेंस यूज करना होगा। इनफैक्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ एक 50mm लेंस बाई करके उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ आपके लिए। ओके गाइज, कैनन ने इस कैमरा में काफ़ी सारे मोड्स दे रखा है, लाइक ऑटो मोड, मैनुअल मोड, C1, C2, प्रोग्राम मोड, वीडियो मोड, सीन, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये एक मेन फैक्टर है अगर आप डिसाइड करना चाहते हो कि इस कैमरा को बाई करें कि ना करें। ऑल राइट, मैंने इस कैमरा को ना काफ़ी सारे जगह पर यूज कर रखा है और आपको सब कुछ दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ। इनफैक्ट मैंने ना इस कैमरा से एक ब्लॉग भी शूट करा है, मस्त वाला ब्लॉग, चिकमंगलुरु गया था मैं कुछ दिन पहले ही, और 3-3 वीडियो आ चुका है। एक नया चैनल मैंने खोल रखा है वंडर्स विद देव, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल के अंदर से जा सकते हो, और वो सारे वीडियोज मैंने इसी कैमरा से ही शूट कराए। गाइज, अगर आपको वो वीडियोज पसंद आएगा तो उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वंडर्स विद देव। ओके, अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि इसकी जो वीडियो क्वालिटी, राइट, मैं आपको ये फुटेज दिखा रहा हूं, आप पहले देखिए दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है। एनीवेज गाइज, आप वीडियो तो देख रहे हो और मेरे को बताओ कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू कैनन ये 6K को ओवर सैम्पलिंग करके आपको जो आउटपुट दे रहा है, और मुझे काफ़ी सही लगा, जो क्लैरिटी की बात करें ओवरऑल सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, जो आपको क्रिस्प फुटेज मिल जाता है। बट एक चीज़ इसमें मिसिंग है वो है IBIS, आपको इसमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, बट IS मिलता है, डिजिटल IS आपको मिलता है। दोस्तों, इस कैमरा की जो IS है ना वो बोथ 4K एंड 1080p में वर्क करता है। इनफैक्ट इस IS को ना आप
तीन तरह का यूज कर सकते हो। एक तो आप इसको ऑफ रख सकते हो और एक दूसरा ऑन रख सकते हो। ऑन रखते हो तो क्या होता है कि थोड़ी सी क्रॉप होता है और आपको एक स्टेबल फुटेज मिल जाता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल फुटेज चाहिए तो और एक मोड भी है, एनहेंस्ड मोड। अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप मिलेगा लेकिन काफ़ी स्टेबल फुटेज आपको मिल जाएगा। ऑलराइट गाइज, गाइज ये वाला जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हो इसको मैं 4K 25 FPS में शूट कर रहा हूँ और ये 18mm है। इसको आप जैसे ही जूम करोगे ये कुछ इतना आपको एरिया मिलता है 45mm तक, ठीक है। यहाँ पर आपको 15mm दे देता कैनन तो अच्छा रहता, बट क्या करे यार, नहीं हुआ ऐसा। दोस्तों इस कैमरा में आपको जॉयस्टिक मिलता है, कैनन ने एक फ्लैश भी ऐड कर रखा है, तो आपको अगर चाहिए तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ओके गाइज, अगेन इसकी व्यू फाइंडर की बात करें तो मेरे को काफ़ी सही लगा। इसके अंदर आपको एक OLED स्क्रीन मिलता है तो आप फोटोग्राफी के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। गाइज इस कैमरा की ऑटो फोकसिंग की बात करें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस कैमरा में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम मिलता है विच वर्क्स टोटली फाइन। आपको कुछ परेशानी नहीं आएगा, एकदम परफेक्टली फोकस कर लेता है बहुत ही इंस्टेंटली। ऑल राइट गाइज, मैं कुछ स्लोमो का फुटेज आपको दिखा रहा हूँ विच इज रिकॉर्डेड इन 1080p एट 120fps। गाइज इस कैमरा की ना एक चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो है इसकी लेंस की कलेक्शन। जी हाँ, ये जो कैमरा है ये एक नया लेंस के साथ आता है, RFS लेंस के साथ आता है और इस सेगमेंट में आपको ज़्यादा चॉइस नहीं मिलेगा। और आपके पास अगर पुराना लेंस होगा, EF लेंस होगा तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक अडेप्टर यूज करना होगा। बट ये सेगमेंट में कुछ और लेंस रिलीज करना होगा कैनन को, नहीं तो क्या फ़ायदा। कैनन को रिलीज करना चाहिए एक प्रॉपर वाइड एंगल लेंस, मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ। गाइज इस कैमरा की प्रोसेसर की बात करते हो तो कैनन अगेन वही DIGIC X वही प्रोसेसर को यूज कर दिया और कैनन को यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए। बहुत दिन हो गया, काफ़ी साल हो गया ये प्रोसेसर को यूज करते हुए, अब तो अपग्रेड कर दो भाई। दोस्तों इस कैमरा की और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट। जी हाँ, यहाँ पर आपको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है 30 मिनट का। आप नॉनस्टॉप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जब तक आपकी जो मेमोरी खत्म ना हो या फिर कैमरा की बैटरी खत्म ना हो। इनफैक्ट इसकी जो बैटरी की भी बैकअप मेरे को काफ़ी सही, इतना ख़राब नहीं है। अगर आप M50 Mark II से कंपेयर करते हो तो उससे आपको बेहतर बैटरी बैकअप इसमें मिल जाएगा। ऑल राइट गाइज, फाइनली कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसके बेसिक्स पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस कैमरा को आप बाई करें कि ना करें। सबसे पहले इसकी जो 4K की वीडियो फुटेज की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सही मिलता है, कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 6K फुटेज को ओवर सैम्पल करके आपको देता है तो आपको डिटेलिंग काफ़ी सही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्राइस में आपको ये मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट इसमें आपको क्रॉप तो मिलता है बट 4K 30 FPS में आपको क्रॉप नहीं मिलता है। आप 4K 50-60 FPS में रिकॉर्डिंग कर रहे हो तब जाके आपको क्रॉप मिलेगा, नहीं तो आपको 4K 30 FPS में कुछ भी क्रॉप नहीं मिलता है, विच इज ग्रेट, राइट। इस कैमरा के नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो इसकी ऑटो फोकसिंग सिस्टम, क्योंकि आपको एक तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम मिलता है, साथ में आई डिटेक्शन ऑटो फोकस मिलता है और एनिमल डिटेक्शन भी मिल जाएगा, साथ में व्हीकल डिटेक्शन भी अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूज कर सकते हो। अगेन गाइज, और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हो कि इसमें आपको IBS नहीं मिलता है, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, बट आप प्राइस को अगर कंसीडर करते हो ये एक मिड रेंज कैमरा है, मिड रेंज से थोड़ी और ऊपर है, ज़्यादा मिड रेंज भी मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि अराउंड 1 लाख इसकी प्राइस है, तो उस हिसाब से ठीक है। बट अगर आपको IBS की बहुत ही ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली कैनन R7 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गाइज अगर आप इस कैमरा को एज ए फोटोग्राफर बाई करना चाहते हो, वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बाई करना चाहते हो तब भी इसको बाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 24.2 मेगापिक्सल की जो इफेक्टिव सेंसर मिलता है, ठीक है ये एक क्रॉप बॉडी सेंसर है लेकिन आप काम हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, अराउंड 1 लाख है, तो आप ठीक है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। गाइज अगर आप प्लान कर रहे हो इस कैमरा को एज ए व्लॉगिंग कैमरा यूज करने के लिए तब भी आप इस कैमरा को बाई कर सकते हो, क्योंकि
इसकी जो वेट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 735 ग्राम ऐसा कुछ इसकी वेट है। तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, यूजुअली कुछ दिक्कत नहीं आएगा आपको, आप कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा कैमरा नहीं है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो फाइनली एक कंक्लूजन में बात कर लेते हैं। अगर सपोज मान लीजिए आपके पास 1 लाख बजट है और आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है और आपको एक मिररलेस कैमरा चाहिए, आपको कैनन का ही कैमरा चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस कैमरा को बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोनी में बाई करना चाहते हो तो आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि सोनी ZV-E10। ऑल राइट गाइज, वीडियो में बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाकी अगर कुछ पूछना है आपको तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, आई लव टू रिप्लाई यू। सो गाइज, दैट्स इट नाउ फॉर द मोमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।